हो गया। चलो अगला हमारा टॉपिक क्या है, मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मिनरल्स के बारे में। देखो जिस तरह से हमारे बॉडी में विटामिन्स की नीड होती है, हमारे बॉडी को किस लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए, उसी तरह से हमारे बॉडी को मिनरल्स की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी को मिनरल्स की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको लिखेंगे मिनरल्स हेल्प टू आवर बॉडी इन ग्रोथ, ठीक है। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी होता है जी, मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स हमारे बॉडी में, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। एक मिनट, लाइन हमको लगता है कुछ मिस्टेक, मिनरल्स हेल्प टू आवर बॉडी बॉडी टू ग्रोथ, ठीक है ना। मिनरल्स हेल्प टू आवर बॉडी टू ग्रोथ, ठीक है ना। मिनरल्स हमारे बॉडी को किस चीज़ में हेल्प करता है जी, ग्रोथ में। किस चीज़ में हेल्प करता है, ग्रोथ में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? उसके बाद हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, क्या रखता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। डेवलप इम्यूनिटी, क्या होता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। इम्यूनिटी को बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है कि मान के चलो हमारे बॉडी में अगर किसी भी तरह के बीमारी का इन्फेक्शन होता है, उसको सबसे पहले मारने का काम कौन करता है जी, इम्यूनिटी, कौन करता है, इम्यूनिटी। समझ में आना, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को कौन बढ़ाता है, मिनरल्स बढ़ाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? लिखो, नोट करो फटाफट से। ये हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स को क्या करता है जी, हेल्दी बनाता है। समझ में आया, ये पूरे पार्ट्स को क्या करता है, हेल्दी बनाता है, ठीक है। हमारे हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है, हमारे बॉडी हड्डियों को मजबूत करता है। इट कंट्रोल ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी का टोटल वाइटल फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आया, जितनी भी वाइटल फंक्शंस है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नोट हो गया? ठीक है। और कौन कौन सा वाइटल फंक्शन है, वाइटल फंक्शन के बारे में भी लिख लो, लाइक बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन एंड हेल्दी ब्लड, ठीक है। ये सब हमारे बॉडी का क्या हो गया, वाइटल फंक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म भी हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। कोई दिक्कत? देखो हमारे बॉडी में ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक मिनरल्स का क्या होता है, अपना अपना कुछ कुछ यूज होता है, अपना अपना क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। इसको लिखेंगे, ये नोट हो गया, चलो मिटा दें, हाँ लिखो फटाफट से।
नोट हो गया। लिखेंगे लिखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स and each has its significant role। अब देखो हमारे बॉडी में कितने तरह का मिनरल्स पाया जाता है, हम सभी का नाम तो लर्न नहीं करवा सकते हैं तुम्हें, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ का हम नाम तुम्हें लर्न करवा देते हैं। समझ में आ गया? तो लिखेंगे CPMSIIRC CPMS लिख लिया ना जी, II और C। ये क्या हो गया? एक ट्रिक हो गया। समझ में आया? अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है C से कार्बन, ठीक है। P से क्या होता है फॉस्फोरस, ठीक है। M से क्या होता है मैग्नीशियम। S से क्या होता है सोडियम। I से क्या होता है आयरन। और I से क्या होता है आयोडीन। और C से क्या होता है कॉपर। इसको याद रखना, CPMSIIC। समझ में आ गया ना? CPMSIIC, इससे याद रखना। ये हमारे बॉडी में क्या होता है मिनरल्स? देखो जो कैल्शियम होता है, सॉरी सी से शायद कैल्शियम ही होता है। समझ में आ गया ना? सी से क्या होता है? कैल्शियम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कैल्शियम नीडेड फॉर बोन्स। ये किसके लिए होता है जी? बोन्स के लिए जरूरी होता है। किसके लिए जरूरी होता है? बोन्स के लिए। कैल्शियम किसके लिए जरूरी होता है? बोन्स के लिए। और सिर्फ बोन्स के लिए ही नहीं, पूरे शरीर के लिए जरूरी होता है। समझ में आया ना? ये पूरे शरीर के लिए जरूरी होता है। हमने तुमको बताया था कि ब्लड जो थक्का बनाता है उसमें किसका जरूरी होता है जी? विटामिन के का काम होता है, वो होता है ना जी। लेकिन विटामिन के साथ साथ कैल्शियम भी वहाँ पर रहता है। समझ में आया? विटामिन के और कैल्शियम दोनों मिल करके ब्लड को क्या करता है? तो थक्का बनाने में हेल्प करता है। दूसरी बात, जो हम मान के चलो हम यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं? हमारा मसल आपस में क्या कर रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हम आपस में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। हमारा मसल क्या हो रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर रहे हैं? मूव कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? उसी की वजह से हम क्या कर रहे हैं? मूव कर पा रहे हैं। और ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है? कैल्शियम ही करवाता है। कौन करवाता है? कैल्शियम करवाता है। समझ में आ रहा है ना? तो कैल्शियम हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा नीड है, और कई सारे चीज़ों का, कई सारे एंजाइम का भी एक्टिवेटर होता है। कौन? कैल्शियम। समझ में आया ना जी? कई सारे एंजाइम का भी एक्टिवेटर कैल्शियम होता है। अगला है फॉस्फोरस। देखो कोई भी आदमी, तुमने सोचा होगा, ये देखा होगा, कोई आदमी छोटा रह जाता है। समझ में आया? कोई आदमी बहुत बड़ा हो जाता है। समझ में आया ना जी? जो छोटा रह जाता है उसको या तो बौना बोला जाता है, या उस बीमारी को ड्वार्फिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ड्वार्फिज्म, जिसमें आदमी का हाइट नहीं बढ़ता है, समझ में आया, उसमें आदमी का हाइट नहीं बढ़ता, वो छोटा का छोटा ही रह जाता है, ठीक है, या फिर बहुत लेट से बढ़ता है। वो किसकी कमी से बढ़ता है? फास्फोरस और मैग्नीशियम की वजह से। किसकी वजह से? फास्फोरस और मैग्नीशियम की वजह से, समझ में आया ना। फास्फोरस और मैग्नीशियम की वजह से क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म हो जाता है। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है? ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है? बौनापन। क्या होता है? बौनापन, ठीक है ना। किसी आदमी का हाइट क्यों नहीं बढ़ता है? फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी की वजह से। अगला क्या है? सोडियम। अगला क्या है? सोडियम। अब सोडियम सबका दिल धड़कता है ना जी, तब ना पूरे शरीर में ब्लड पंप होता है, तो उस दिल को धड़काने के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है? सोडियम। सोडियम के वजह से जो है सो हार्ट धड़कता रहता है, समझ में आया। अगर सोडियम तुम्हारे बॉडी में नहीं रहेगा तो तुम्हारा हार्ट धड़कना बंद कर देगा, और तुम्हारा जो नर्व है, तुम्हारा जो दिमाग जो चलता है, वो भी सोडियम के वजह से चलता है, समझ में आया ना। अगर सोडियम तुम्हारे बॉडी में नहीं रहेगा तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा। अब वो कैसे कम कर देगा, वो अपर क्लास में जानना है, आगे की क्लास में पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। अभी फिलहाल तुम ये समझ लो कि फास्फोरस और मैग्नीशियम की वजह से क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है, समझ में आया ना। और सोडियम की कमी की वजह से क्या होगा? हार्ट काम नहीं करेगा और हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा, समझ में आया। तो सोडियम क्या करता है हमारे बॉडी में? कंडक्शन का काम करता है। क्या करता है? कंडक्शन। किस चीज़ का कंडक्शन? इलेक्ट्रिसिटी का। किसका? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब वो कई चीज़ों का इम्पल्स हो सकता है, समझ में आया ना। अगला है आयरन। क्या है? आयरन। जो आयरन होता है ये हमारे शरीर में ब्लड को बनाने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड को बनाने का काम करता है। लिखेंगे फॉर्मिंग ब्लड, फॉर्मिंग ब्लड, ये क्या करता है? ब्लड को बनाने का काम करता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन का क्या काम होता है? ठीक है, तो आयोडीन का काम होता है टू मेंटेन थायराइड हार्मोन, टू मेंटेन थायराइड हार्मोन। समझ में आया? टू मेंटेन थायराइड हार्मोन, ठीक है। ये हमारे बॉडी के थायराइड हार्मोन को क्या करता है जी? कंट्रोल करता है। किसी के शरीर में तुम एड देखता है जी, नमक कभी खरीदने के लिए गया है दुकान पे? कौन कौन गया है नमक खरीदने के लिए? सब गया है जी। तुमने गई है? अरे लड़की तुमने गई है? अच्छा गई है। तो नमक पे क्या लिखा हुआ रहता है? हाँ वेरी गुड, लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। क्या लिखा रहता है? आयोडीन युक्त नमक। क्यों लिखा रहता है आयोडीन? क्योंकि उस नमक से हमको क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है, और आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के बैलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझ में आया ना। अगर मान के चलो अगर थायराइड हार्मोन अनबैलेंस हो जाएगा या हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो गले में इतने बड़ा क्या निकल जाएगा जी? क्या निकल जाएगा? इसको बोलते हैं गॉट। क्या बोलते हैं? गॉट, या फिर एक घेघा रोग के भी बीमारी, घेघा रोग से भी जानते हैं इसको, समझ में आया ना जी। क्या बोलते हैं? घेघा रोग के नाम से भी इस बीमारी को हम जानते हैं। गले में इतना बड़ा क्या निकल जाता है? क्या निकल जाता है जी? ग्वाइटर बोलते हैं, ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर, ठीक है ना। ये किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन से। अगर तुम लोगों के बॉडी में भी अगर आयोडीन की कमी होगी तो गले में क्या निकल जाएगा? घेघा निकल जाएगा, समझ में आया ना। तो इसलिए सभी चीज़ें तुम्हारे बॉडी के लिए क्या है? ज़रूरी है, ठीक है। अगला है कॉपर। अगला क्या है? कॉपर। देखो कॉपर भी हमारे बॉडी में आयनिक बैलेंस के लिए ज़रूरी होता है, समझ में आया ना। कॉपर भी हमारे बॉडी में आयनिक बैलेंस के लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है। कोई दिक्कत? सारा मिनरल्स तुम लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखो अब ये आयरन का कुछ कुछ सोर्स लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि ये अक्सर होता है कि आयरन की कमी हो जाती है लोगों के बॉडी में। अब आयरन का टैबलेट तो नहीं खाएगा? खाएगा जी, नहीं खाएगा। उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे स्पाइनच। स्पाइनच का मतलब क्या होता है?
पालक, वेरी गुड। स्पाइनच, उसके बाद एप्पल, वेरी गुड। एप्पल में भी आयरन पाया जाता है। अगर किसी को ब्लड की कमी हो, समझ में आया ना जी, अब ब्लड की कमी है कैसे पता चलेगा? तुम कोई काम करते करते अगर हाँफने लग गए, कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, समझ में आया ना, यानी कि तुम्हारे बॉडी में किसकी कमी है? ब्लड की कमी है। किसकी कमी है? ब्लड की कमी है। और ब्लड की कमी को कौन पूरा करेगा? आयरन। आयरन हमको किस चीज़ से मिलेगा? स्पाइनच, पालक से, एप्पल से, और ग्रीन लीफी। लीफी का मतलब क्या होता है? साग, वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, समझ में आ गया ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो हमारे बॉडी में हमने क्या बताया था कि हमारा जो फूड होता है ये जनरली पांच चीज़ों को अपने अंदर कंटेंट करता है, ठीक है ना। क्या क्या? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, समझ में आया। लेकिन इसके अलावा भी हमारी फूड में कुछ कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, समझ में आया। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हमारे बॉडी में पाई जाती है। जब तुम खाना खाते हो तो क्या सारा का सारा खाना तुम्हारे बॉडी में पच जाता है जी? नहीं पचता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में बाहर निकल जाती है, निकल जाती है ना जी, ये समझ में आ रहा है ना। कुछ कुछ चीज़ें जितना तुम खाना खाते हो क्या सारा का सारा फूड तुम्हारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है? नहीं पचता है, ठीक है ना। क्या क्या पचता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन। ये पांच चीज़ें हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। पांच चीज़ें क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर ले जा एब्जॉर्ब कर लेती है, समझ में आया। और भी कुछ चीज़ें बचती है जो क्या होता है? बाहर निकल जाता है, समझ में आया। वो क्या क्या होता है? वो होता है रफेज और वाटर, रफेज और वाटर, समझ में आ गया। मिटा दें इसको। चलो तो लिखेंगे, बिसाइड दीज फाइव टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आवर फूड ऑल्सो कंटेन, ठीक है। इस पांच चीज़ों के अलावा भी हमारे फूड में क्या क्या पाया जाता है? रफेज, और इसको हम फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर भी कहते हैं, पहला, और ये दूसरा है वाटर। क्या होता है? वाटर। ये हमारे फूड में एसेंशियल है, पाया जाता है, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत? देखो अब ये फाइबर क्या होता है और वाटर क्या होता है, फाइबर क्या होता है और वाटर क्या होता है। तो जो फाइबर होता है ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो लिखेंगे इसको, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, ठीक है ना। इसको हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब नहीं करती है, समझ में आ गया। और ये आफ्टर डाइजेशन ये एक फीकस मैटर के रूप में बाहर निकल जाता है, समझ में आया ना, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो तब तुम बोलोगे कि सर अगर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है अगर हमारे बॉडी के लिए तो फिर हम लोग क्यों लेते हैं ये फाइबर, हम क्यों लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हमारे बॉडी के अंदर में क्या करता है जी?
जो हमारा ये क्या बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैसेज है ये उसको क्लियर करने का काम करता है। समझ में आया ना, उसको क्या करता है क्लियर करने का काम करता है। कोई दिक्कत? ठीक है, हमारे बॉडी में जितना भी एंजाइम है उस एंजाइम को बैलेंस करके रखता है। कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोग खाने में सलाद वगैरह सब का ज़्यादा यूज करते हैं ना जी, हम लोग खाने में सलाद का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में डाइजेशन सही से हो सके, इसीलिए करते हैं ना। और हमारा जो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पासेज है वो अच्छे से साफ रह सके, है कि नहीं है? ठीक है, पानी, पानी तो सभी जानते हैं कि हमारे डाइट में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है जी, ज़रूरी होता है। पानी हमारे डाइट के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर मान के चलो हम लोग अपने पूरे शरीर को अगर क्या बोलते हैं जूस बनाने वाला मशीन देखे हो, जूस बनाने वाला मशीन देखा है, अगर मान के चलो किसी इंसान को जूस वाले मशीन में डाल करके पीस दिया जाए, ठीक है, उसमें से 70% क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। 70% क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। समझ में आया ना, 30% ही जो है उसमें से क्या निकलता है, दूसरी चीजें निकलेगी, बाद बाकी उसको क्या कितना मिलेगा, 70% उसे पानी ही मिलेगा। समझ में आया, 70% उसे पानी ही मिलेगा। और ये हमारे बॉडी में जनरली डाइजेशन में भी हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और हमारे बॉडी के अंदर में जितनी भी वेस्ट मटेरियल बनती रहती है उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का भी काम करता है। मान के चलो हम लोग हमारे शरीर में क्या बन रहा है जी, यूरिया बन रहा है, क्या बन रहा है, यूरिया बन रहा है, उस यूरिया को रिमूव कौन करता है, पानी ही करता है, करता है ना जी। हमारे इस यूरिया को कौन रिमूव करता है, पानी ही रिमूव करता है। इसीलिए हमको जनरली सभी को 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। समझ में आया, कितना पानी पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास। कितना गिलास पानी पीते हो तुम लोग? एक भी गिलास नहीं है ना। अगर नहीं पीते हो तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आया ना जी, तुम्हें यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, कई तरह की बीमारियां हो सकती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अगर नहीं भी पी रहा है तो हमारा बॉडी उतना समझदार है जी, ठीक है ना, देख रहा है कि अगर हमारे पानी शरीर में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये पानी का वेस्ट भी कम करता है, और देखेगा कि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है शरीर में तो वो वेस्ट भी उतना ज़्यादा करता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रास एंजियोटेंसिन सिस्टम। जब हम 11th 12th में पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल इतना समझ लो, हमारा बॉडी अडप्ट कर लेता है, ठीक है ना। अगर कम पानी है तो उस पानी को बचाना कैसे है, वो शरीर का काम है, ठीक है ना। अगर हम लोग कम पानी पीते हैं तो तुम देखा होगा कि आदमी को यूरिन भी कम लगता है। समझ में आया ना जी। और जो आदमी ज़्यादा पानी पीता है तो उसको यूरिन भी ज़्यादा लगता है। कोई दिक्कत? और हमें डेली के डेली कितना पानी पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास। कोई दिक्कत? अगला है हमारा बैलेंस्ड डाइट। क्या है बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? देखो बैलेंस डाइट क्या होता है, मान के चलो तुम लोग गया कहीं पे, कहाँ भोज खाने के लिए, किसी शादी पार्टी वगैरह सब में, ठीक है, वहाँ पे कई सारी वैरायटी मिली खाने के लिए। समझ में आया ना जी, कई तरह का खाने का सामान मिला खाने के लिए, ठीक है, उसमें से तुम्हें रसगुल्ला बहुत पसंद आ गया। क्या पसंद आ गया? रसगुल्ला पसंद आ गया, ठीक है, और तुमने दबा करके 100-150 रसगुल्ले खा लिए। कितना खा लिया? 100-150। उसके बाद घर पे आए तो पता चला कि हमें डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है, क्या हो गया? डायबिटीज़ हो गया। या फिर तुम गए, तुम्हें पार्टी में पूरी बहुत पसंद आ गया। क्या पसंद आ गया?
पूरी पसंद आ गया, ठीक है, तुमने दवा करके खा लिया 40-50, उसके बाद जब घर आओगे तो फिर क्या होगा जी? घर आने के बाद क्या होगा? जितना तेजी में तुम खाए हो उतना ही तेजी में क्या होगा? वो निकलना शुरू हो जाएगा, समझ में आया? और जितना दो दो मिनट का तुम गैप ले ले करके खाते थे कि चलो थोड़ा सा पच जा रहा है, उसके बाद दो और खाएंगे, फिर थोड़ा दो मिनट रुकने के बाद फिर दो और खा लिए, उसी तरह से तुमको दो दो मिनट रुक रुक कर करके, ठीक है, वो तुम्हें निकलना क्या होगा? शुरू हो जाएगा, समझ में आया? तो क्या ये बैलेंस डाइट हुआ? नहीं हुआ, ये बैलेंस डाइट नहीं हुआ। बैलेंस डाइट ये होता है कि हम इतना खाएं जिसे हमारी बॉडी क्या करे, टॉलरेट कर पाए, समझ में आया ना जी? उसे हमारी बॉडी क्या कर पाए, टॉलरेट कर। हम इतना ज़्यादा खूब ठूस के खा ली और हमारी बॉडी उतना उसे पचा ही नहीं पा रही है, तो क्या हो जाएगा? बैक मार देगा, उल्टी हो जाएगा ना जी? उसे क्या हो जाएगा? उल्टी हो जाएगा। अगर उल्टी नहीं हुआ तो उसको डायरिया पकड़ लेगा, समझ में आया? कई तरह की बीमारियां हो सकती है अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, ठीक है। क्यों बोला जाता है कि चावल के साथ साथ हमें इतनी प्रॉपर मात्रा में सब्जी लेनी चाहिए, इतनी मात्रा में हमें दाल लेनी चाहिए, ठीक है, ये क्यों कहा जाता है और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? कभी कभी हम लोग रोटी भी खाते हैं, कभी कभी हर तरह का, अगर पेट ही भरना रहेगा इंसान को तो कुछ भी खा के भर सकता है कि नहीं है? कुछ भी खा करके भर सकता है। लेकिन अगर मान के चलो अगर वो सिर्फ चावल ही खाया जा रहा है, एक महीना तक अगर उसको सिर्फ चावल ही खिला रहे हैं, तो चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सिर्फ उसकी बॉडी को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सिर्फ क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। और अगर मान के चलो हम चावल दाल सब्जी ये तीनों चीज़ अगर हम मिला करके खाते हैं, तो चावल से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। दाल से हमें क्या मिलता है जी? प्रोटीन, ठीक है। और सब्जी से हमको क्या मिलता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। आ थोड़ा बहुत तेल उल भी डालते हैं ना सब्जी में जी, तो वो क्या हो जाता है? फैट्स। वेरी गुड। वो क्या हो जाता है? फैट्स। यानी कि हमने तीनों चीज़ खाया तभी हमको ये पांच चीज़ मिलेगा ना जी। और हमें ज़िंदा रहने के लिए ये पांचों चीज़ का ज़रूरत है। बिना कार्बोहाइड्रेट का हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, बिना प्रोटीन का हम अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बिना विटामिन और मिनरल्स का हम अपने शरीर को किसी बीमारियों से नहीं बचा पाएंगे, समझ में आ रहा है ना? और बिना फैट का हम अपने अंदर में एनर्जी भी स्टोर नहीं कर पाएंगे, समझ में आया ना? तो इसीलिए हमें प्रॉपर मात्रा में सब चीज़ लेने की ज़रूरत होती है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो मिटा दिया जाए। देखो जनरली जो बैलेंस डाइट होता है, ठीक है, ये बैलेंस डाइट हर चीज़ को प्रेफर करता है, तुम हर चीज़ खाओ। ये बैलेंस डाइट कभी ये नहीं कहती है कि तुम मीट मछली मत खाओ, तुम वेज ही खाओ हमेशा, ठीक है, ये बैलेंस डाइट कभी नहीं कहती है, समझ में आ रहा है ना? क्यों नहीं कहती है? क्योंकि जो हमारा नॉन वेज होता है ये गुड सोर्स है किस चीज़ का? प्रोटीन्स का। किस चीज़ का? प्रोटीन्स का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो इसको हम मिटा दें। अगला है फूड प्रिजर्वेशन। हम फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं? फूड को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं, समझ में आया ना जी? तुमने देखा होगा कि कभी कभी जो है मतलब हम लोग खाने को ढक के रख देते हैं और वो स्मेल करने लगता है। क्या करने लगता है? स्मेल करने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने खाने को रख दिया लेकिन वो स्मेल नहीं करता है कि नहीं है? ये अक्सर ज़्यादातर कब होता है जी? गर्मी के मौसम में होता है। कब होता है?
गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में अगर हम खाना को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन ठंडी जगह पे अगर हम खाना को रख देते हैं क्या वो जल्दी ख़राब हो पाएगा? जी नहीं हो पाएगा। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या होता है, देखो अब गर्मी में क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जितना भी बैक्टीरिया होता है उसे फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही वो बैक्टीरिया एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, फूड को खाना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, खाना शुरू कर देता है। और बैक्टीरिया का आदत होता है, बैक्टीरिया का आदत होता है कि खाना को निगलने से पहले वो वहाँ पे उसको पचाता है। समझ में आया? मान के चलो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, वैसे ही वायरस की तरह लग रहा है देखने में, और ये कोई खाना रखा हुआ है। तो हम लोग पहले खाना को अंदर खाते हैं और अपने पेट में पचाते हैं, होता है ना जी, हम लोग पहले खाना को खाते हैं और फिर उसे पेट में पचाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया सब ऐसा नहीं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या कर देता है, खाने के ऊपर में थूक देता है। क्या थूक देता है जी, एंजाइम। क्या कर देता है, एंजाइम, और इसको बाहर में ही पचा लेता है। समझ में आया, इसको बाहर में ही पचा लेता है। और पचने के बाद इसका जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब है उसको ये क्या कर लेता है, अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो इसका वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो वहीं का वहीं छोड़ देता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अब देखो जनरली हम फूड को हम प्रिजर्व कैसे करेंगे, हाँ ठंडी के मौसम में जो है सो क्यों नहीं ख़राब होता, क्योंकि ठंडी के मौसम में जितना भी ये सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया होता है, ये एक्टिव नहीं होता है। समझ में आया, ये एक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना, ठंड के मौसम में ये बैक्टीरिया एक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है ना। गर्मी के मौसम में लेकिन ये एक्टिव हो पाता है, इसी वजह से गर्मी के मौसम में जो फूड होता है, खाना होता है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, और ठंड के मौसम में खाना ख़राब नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। कभी कभी जो है मतलब हम लोग खाना को प्रिजर्व भी करते हैं ना जी। कैसे प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, अगर मान के चलो किसी चीज़ को अगर हम कच्चा रख देंगे, तो उसका ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है कि नहीं रहता है। उसी में अगर हम नमक डाल के छोड़ देते हैं तो वो ख़राब होता है जी, नहीं होता। मान के चलो हमने अचार बनाया, क्या बनाया, अचार बनाया, अगर हम बिना नमक डाले हम अचार को रख दें 10 दिन के लिए तो उसमें पिल्लू फट जाएगा, होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें हम नमक तेल वगैरह सब जो है सो डाल देते हैं तो ये क्या होता है, 5-5 साल तक ये सेफ रहता है। क्या ये ख़राब होता है, नहीं ख़राब होता है। तो खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए जो हम लोग कुछ उपाय निकालते हैं, उस उपाय को, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अगला है रेफ्रिजरेटिंग। क्या है, रेफ्रिजरेटिंग। पहला तो या तो हम नमक उमक डाल के हम उसको जो है सो रख सकते हैं, जिसको हम पिकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पिकलिंग कहते हैं। नमक या तेल में किसी चीज़ को डुबा के रख देते हैं तो वो चीज़ ख़राब नहीं होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम पिकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पिकलिंग कहते हैं। अगला है रेफ्रिजरेशन, यानी कि हम उसको उठा करके क्या कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे। कहाँ पे रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे। उसको क्या कहते हैं, हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं। उसके बाद एक और प्रोसेस है ड्राइंग। अब मान के चलो अंगूर को अगर तुम घर में 10 दिन के लिए रख दो तो वो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा ना जी। क्या कभी किशमिश सड़ता है, नहीं सड़ता है, वो तो साल भर 2-2 साल रहता है। क्या कभी सड़ता है, नहीं सड़ता। यानी कि हम उसको हम सुखा के भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुखा के भी रख सकते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन का कुछ कुछ हम लिख देते हैं, क्या पता तुम लोग भूल जाओगे। पहला है बॉइलिंग, पहले लिखो फूड प्रिजर्वेशन। क्या है, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, ये क्या है, फूड प्रिजर्वेशन। पहला है इसमें बॉइलिंग, किसी चीज़ को हम बॉयल कर देंगे। क्या कर देंगे, बॉयल कर देंगे। देखो दूध को तुम देखे होगे, जो दूध होता है उसको अगर हम बिना बॉयल किए अगर हम रख दें कच्चा दूध को, वो ख़राब हो जाता है कि नहीं, ख़राब होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको हम बॉयल कर देंगे तो क्या वो ख़राब होता है, नहीं होता। समझ में आया, तो ये भी एक फूड प्रिजर्वेशन का क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, ये भी फूड प्रिजर्वेशन का एक प्रोसेस है। समझ में आ गया। अगला क्या है, पिकलिंग।
अगला क्या है, पिकलिंग। क्या है? पिकलिंग। इसमें क्या होता है, तो किसी भी चीज़ों को हम तेल या नमक में डुबा करके रख देते हैं, जिसकी वजह से वो सड़ता नहीं है। समझ में आ गया ना? अगला क्या है, रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेटिंग यानी कि किसी को उस चीज़ को उठा करके हम कहाँ रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे। कहाँ पे रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। अगला क्या है, ड्राइंग। अगर हम सुखा देंगे तो भी क्या होगा, वो ख़राब नहीं होगा। समझ में आ गया ना, ड्राइंग। उसके बाद अगला क्या है जी, कैनिंग। क्या है, कैनिंग। देखो कैनिंग क्या होता है, तुम लोग चिप्स कुरकुरे खाया होगा, तुम देखना कि उसमें कुछ हवा भरा हुआ रहता है ना जी। अगर उसका हम हवा निकाल के अगर हम एक घंटा के लिए छोड़ दें तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन जब तक उसमें हवा भरा रहता है तो 6 महीने तक ख़राब होता है, नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं, कैनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ तुम्हारा जो है मतलब ये चैप्टर जो है सो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है सो समझ लो, ठीक है। कभी कभी तुम देखा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कॉपर के बोतल में पानी पीता है, वो क्या करता है, कॉपर के बोतल में पानी पीता है, ठीक है ना। पहले के टाइम में लोग कॉपर के प्लेट में खाना खाता था ना जी। क्यों खाना खाता था, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, तो उस फूड में विटामिन सी, विटामिन ई और फॉलिक एसिड जैसे विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? चलो